ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल है वो अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ट्रेड करें तो कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि आप जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे जो जिस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, आप किसी ब्रोकर्स के थ्रू करवा सकते हैं, वहाँ पे आप खुद भी ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आपके घर आके, आपके जो भी आप एड्रेस बताते हैं वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन होता है यहाँ पे। उसके बाद है सबसे बड़ी चीज़ है जब आप पैसा लगाते हैं तो बहुत हड़बड़ी में यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना है। आप अपना पैसा डालने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें कि ये प्रॉपर टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं, और सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। इसमें बहुत तरीके की ट्रेडिंग होती है जिसमें आपको अवधि देखना है कि आप बहुत दिनों के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक महीने का आपका पर्पस है, या आप उससे भी लॉन्ग मतलब टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, या आप इंट्राडे आप ट्रेड करके निकलना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल का यहाँ पे टेक्निकल रिसर्च का सहारा लेना होगा और उसके थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। न्यूज़ बेस्ड भी कभी आप मोमेंटम कॉल से बाई कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि जब आपकी लंबी अवधि होती है तो आपको ज़्यादा रिलाय करना चाहिए फंडामेंटल्स पे। यहाँ पे आप फंडामेंटल्स पे रिलाय करें, टेक्निकल का सपोर्ट देखिए और एंट्री और एग्जिट का टाइम दें, और सबसे अहम बात यहाँ पे है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि इस मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका जो सपोज़ आपके फेवर में वो कॉल नहीं आए और आप मार्केट से एग्जिट नहीं हो पाए तो प्राइसेस यहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल मनी है वो बहुत कम हो जाता है, और जब दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपके पास पैसा नहीं बच पाता है कि आप दूसरे ट्रेड जो हैं वो यहाँ पे कर पाएँ। तो हर हालत में स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी से कि फलाने ने इसमें पोजीशन ले ली है तो मेरा सेलिंग है। आपने प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है तो अपने रिसर्च पे कॉन्फिडेंस मेंटेन करें यहाँ पे, और डूज़ एंड डोंट्स जो हैं इस मार्केट के उसको फॉलो करें। कोई अगर न्यूज़ पर आपको ध्यान देना है, कोई अगर पॉलिटिकल यहाँ पर न्यूज़ आ गई या कोई पॉलिसी से रिलेटेड या यहाँ पर कोई टैक्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल हो जाती है। कमोडिटीज़ मार्केट में एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, हमेशा आप इकोनॉमिक रिलीजेज़ जो होते हैं जो कि बेसिकली थ्रू आउट द डे आते हैं, लेकिन जब यूएस मार्केट होती है ओपन या एलएमई ओपन होती है उस समय ज़रूर ध्यान दें। ये डेली रिलीजेज होती हैं, इवेंट्स भी होते हैं, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है और जो अचानक से जो शॉक्स आते हैं मार्केट में उस टाइम आप बिल्कुल तैयार रहें कि मार्केट से आपको एग्जिट होना है। मार्केट के साथ हमें ईगो लेके नहीं चलना है या हमें यहाँ पे ज़िद लेके नहीं चलनी है कि हमें इस प्राइस पे ही निकलना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, प्रॉफिट कम होने वाला है, तो आप कम प्रॉफिट पे निकलिए, लेकिन उसे लॉस में कन्वर्ट मत होने दीजिए।